Good morning, students. As we discussed about the एग्रो इंडस्ट्रीज में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसे हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उसके बारे में देखा, उसके locations को देखा। अब जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा जूट। बेटा जूट एक पौधा होता है, क्या होता है, एक प्लांट होता है। जो गांव के बच्चे होंगे वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। गांव में इसको सनई कहा जाता है। गांव में क्या कहा जाता है बेटा? सनई कहा जाता है। जो शहर के बच्चे हैं वो इसको जूट ही जाने। एक लंबा लंबा पौधा होता है और इसके जो फाइबर होते हैं उससे रस्सियां तैयार की जाती हैं, या आपके घर में जो बीट आता है, जो चावल आता है, वो जिन बोरियों में भरकर आता है उसमें देखे होंगे कि कुछ बोरियां प्लास्टिक की होती हैं और कुछ बोरियां थोड़ी लकड़ी के कलर की होती है, वो जूट से ही तैयार किया जाता है। तो बेटा जूट को जो है वो हम लोग एक सेकेंड नाम से भी जानते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। जो जूट के रेशे होते हैं उसको गोल्डन फाइबर, ठीक ना, सोने के रेशे भी कहा जाता है। तो जूट टेक्सटाइल का मतलब ये हो गया कि जो ये जूट की बोरियां तैयार की जाती हैं, वही मतलब जूट से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उन कपड़ों से बोरियां तैयार की जाती हैं। यानी पैकेजिंग इंडस्ट्री जो हमारी है, जो चीजों की पैकेजिंग कर होने के लिए मटेरियल है वो जूट से ही तैयार किया जाता है, ठीक ना बेटा। अगर हम बात करें कि फर्स्ट जूट मिल जो थी हमारे इंडिया में, वो फर्स्ट जूट मिल स्टेब्लिश हुई थी 1855 में कोलकाता के पास, एक जगह है सिरसा। यहां पर बेटा सिसरा लिखा हुआ है लेकिन आप इसको प्रोनाउंस करेंगे सिरसा, कहीं कहीं सिरसा मिलेगा, कहीं कहीं सिसरा मिलेगा, ठीक ना बेटा। वो रीजनल लैंग्वेज का फर्क है, बस जगह तो एक ही है, ठीक ना बेटा। तो फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टेबल्ड इन कोलकाता, नियर कोलकाता, द पर्टिकुलर प्लेस नोन एज सिरसा इन 1855। देखिए ये डेट समझिए आप। इसके बाद 1857 हमारे देश में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो 1857 हुआ था, उसके दो साल पहले ही जूट इंडस्ट्री लगी थी। अब जूट इंडस्ट्री कहां पर डेवलप की हुई है तो आप वेस्ट बंगाल को देखिए। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा, जो पूरा बांग्लादेश है, 1855 से पहले और आज 47 तक ये जो वेस्ट बंगाल है, सॉरी ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। जब 1947 में इंडिया का बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ, तो दो पाकिस्तान बने। कितने पाकिस्तान बने बेटा? दो पाकिस्तान बने। एक पाकिस्तान तो जहां आज है, जहां हम देखते हैं, एक पाकिस्तान तो वहां है, और इसी पाकिस्तान की एक ऑटोनॉमस टेरिटरी, ऑटोनॉमस कहा जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ऑटोनॉमस वो थी नहीं, एक ऑटोनॉमस टेरिटरी जो आज का बांग्लादेश है वहां पर बनी। उस टाइम तक 1947 तक से लेकर, कब से, 1947 से लेकर 1974 तक उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1974 में, कब बेटा, 1974 में जो हमारा बांग्लादेश है उसको आजादी मिलती है पाकिस्तान से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि 1947 में जब देश देश का बंटवारा होता है तो दो जगहों पर पाकिस्तान बना, एक ही जगह पर नहीं, दो जगहों पर पाकिस्तान बना। पहला जो आज की पाकिस्तान की लोकेशन है वहां पर, और दूसरा जहां पर आज का बांग्लादेश है। 1947 से 74 तक, 1947 से 1974 तक उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1974 के बाद वो आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम द पाकिस्तान, और एक नया देश वर्ल्ड मैप पर अपीयर हुआ नोन एज बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और यहां की जो करेंसी है वो है टका, ठीक ना बेटा। अब आगे देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है वो भारत में कच्चे जूट के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान रखता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन
एक्सपोर्ट के मामले में दूसरा स्थान रखता है, यानी जितना जूट हमारे यहाँ तैयार किया जाता है उसमें ज्यादातर की खपत हमारे इंडस्ट्रीज में हो जाती है, क्योंकि हमको जो हम जो गुड्स तैयार करते हैं उसके पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, तो जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो जूट इंडस्ट्री से ही आता है। तो इस तरह से जूट के रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन में हम लोग रॉ जूट के प्रोडक्शन में तो वर्ल्ड में फर्स्ट हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर कौन आता है फिर? तो पहले स्थान पर आता है बेटा बांग्लादेश। अगली बार देखिए कि मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। अब जूट इंडस्ट्री की जो ज्यादातर मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में ही लोकेट करती है, शहर के और हिस्सों देश के और हिस्सों में नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल में ही लोकेट कर रही है। तो सीरियस ही बात है, कुछ ना कुछ ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन है वहां पर जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री वहां पर फल फूल पा रही है। इस कंडीशंस को हम आगे देखेंगे, वो भी जो वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री लोकेट कर रही है वो हुगली रिवर के आसपास, यानी हुगली रिवर के किनारे 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई पर लोकेट करती है। देखिए अगर इंडिया का मैप तो यहां नहीं बना सकते हैं अभी, अगले वीडियो में बना दूंगा, लेकिन आप समझिए कि गंगा रिवर ऐसे निकलती है उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में, और झारखंड के बाद फिर वो वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। वेस्ट बंगाल में जो गंगा रिवर है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक ना बेटा, एक हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो कोलकाता में चला जाता है। ये जो दूसरी स्ट्रीम है गंगा की, इसी को हुगली कहा जाता है। इसी हुगली रिवर के अलोंग, यानी इसके सहारे लगभग 3-4 किलोमीटर के नैरो बेल्ट में ये हमारी जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई है, ठीक है बेटा। क्या हुई है? ये जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई है एक अलोंग विद द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। ओके, अब देखिए क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री डेवलप हो पाई वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल की कंडीशन को समझिए, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, तो जो वेस्ट बंगाल का ज्यादातर हिस्सा है और बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा है वो बना है जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो हमारी गंगा रिवर है उसके डेल्टा पर ये दोनों जगह बसी हुई है। इस वजह से जूट के प्रोडक्शन के लिए यहां पर आइडियल कंडीशन। पहली बात, जब देश का बंटवारा होता है, जब देश का बंटवारा होता है तो ज्यादातर जो जूट मिल्स थी वो तो पाकिस्तान के पास थे, लेकिन कैसे? क्योंकि जो वहां पर आज बांग्लादेश बना हुआ है वहां पर पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो ज्यादातर जूट इंडस्ट्री तो उनके हिस्से में चली गई, हमारे पास तो बहुत कम आई। तो आजादी के साथ साथ जूट इंडस्ट्री को डेवलप करने का एक चैलेंज भी उभर कर हमारे सामने आता है, ठीक है बेटा। देखिए अप्रोक्सीमेटली ऑफ अ जूट प्रोडक्शन एरिया, पहली बात कि ये सबसे सुलभ एरिया है वेस्ट बंगाल का जहां पर जूट का प्रोडक्शन बड़े आसानी से किया जा सकता है। दूसरा है इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर बेटा क्या है कि गंगा रिवर अपनी कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती है, ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है, जिसकी वजह से यहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी हो जाता है। हमको पता है कि अगर हम मीडियम और ट्रांसपोर्ट में देखें और सबसे चीप मीडियम और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो वाटर वेस्ट पड़ता है, क्योंकि वाटर वेस्ट से हैवी लोड को बड़े कम कीमत पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक। सेकंड है कि गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे रोडवेज एंड वाटर वेस्ट। देखिए जो वेस्ट बंगाल है आपको पता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता पर ही कब्जा किया, उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया उनका धीरे धीरे ऑक्यूपेशन बढ़ने लगा, वो धीरे धीरे इंडिया को ऑक्यूपाई करने लगे, तो वो तो यहां पर ट्रेडर्स के तौर पर आए थे ना, ट्रेडर्स यानी वो व्यापार करने आए थे, यानी वो हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स लेते थे और इंग्लैंड को भेज देते थे। इन रॉ मटेरियल्स को इंडिया के इंटरनल पार्ट से लाकर पोर्ट तक पहुंचाना होता था, और पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने रेलवे डेवलप की, रोडवेज डेवलप की, वाटरवेज डेवलप की, ये सारी चीजें डेवलप की, जिसकी वजह से वहां पर रेलवेज, वाटरवेज, इन सब चीजों का एक बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क डेवलप हो गया, जिसकी वजह से माल की जो गुड्स है उनकी आवाजाही काफी आसान हो गई। उसके बाद है एवेंडेंट वाटर प्रोसेसिंग फॉर रॉ मटेरियल्स। देखिए इस एरिया में क्या होता है, पानी बहकर समुद्र में या नदियों में नहीं जाता है,
बल्कि फ्लैट लैंड होने की वजह से पानी लैंड के टुकड़ों पर इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से जूट की प्रोसेसिंग हो पाती है। देखिए बेटा, जूट से रेसे निकालने के लिए पहले जूट के प्लांट को पानी में कई दिन तक भिगोना पड़ता है, तब ये जूट के रेसे जूट के प्लांट से अलग होते हैं और फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू जूट के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद चीप लेबर, आप देखिए कि चीप लेबर का मतलब हो गया कि जो श्रमिक हैं वो काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध हो पाते हैं यहाँ पर। कैसे? आप देखिए, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है बिहार, बिहार के बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहां पर वैसे भी इंप्लॉयमेंट की कमी है। तो जब इंप्लॉयमेंट की कमी है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ लेबर की सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, और जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसकी उसका जो रेट होता है, जो वैल्यू होती है, वो अपने आप कम हो जाती है। तो इस वजह से इस एरिया में चीप लेबर हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अंग्रेजों की 1911 से पहले कोलकाता ही इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहां पर अर्बनाइजेशन बड़ा तेजी से हुआ। अब अर्बनाइजेशन होने से क्या होगा, जो सिटीज की फैसिलिटीज रहेंगी वो उद्योगों को मिल पाएगी, वो इंडस्ट्रीज को मिल पाएगी। कौन कौन सी फैसिलिटीज? जैसे वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज मिल पाएंगी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज मिल पाएंगी, फ्लो ऑफ कैपिटल ईजिंग होगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इशू कम आएगा, स्किल्ड लेबर मिल पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर वहां पर काम करते हैं, जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री वहां पर पली फुली। अगली बात जो समझिए कि यहां पर फर्स्ट जूट मिल और फर्स्ट जूट फैक्ट्री दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। ये मिल के बारे में है और ये फैक्ट्री के बारे में है, ठीक ना। तो जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो जॉर्ज ऑकलैंड ने 1859 में लगाई थी, ठीक ना बेटा। कहां पर लगाई थी आपको ढूंढना है, ऑकलैंड कौन थे आपको ढूंढना है। ऑकलैंड का काम एक जगह और जीपी रोड से भी ऑकलैंड को रिलेट किया जाता है, ठीक ना, जो हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड है उससे भी ऑकलैंड को रिलेट किया जाता है। तो इन फैक्टर्स को आप ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक। सो स्टूडेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो हमारी थर्ड इंडस्ट्री है वो है सुगर इंडस्ट्री। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि सुगर सुगर केन से तैयार किया जाता है। सबसे ज्यादा जो सुगर केन का प्रोड्यूसर स्टेट है वो है यूपी, और सेकेंड पे बात करें तो वो है महाराष्ट्र। लेकिन अगर सुगर के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा सुगर का प्रोडक्शन यूपी में होता है और सेकेंड नंबर पे भी महाराष्ट्र का है। देखिए यहां पर कंट्राडिक्शन हो सकता है, दो स्टेट्स में आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारियां मिल सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुगर का और सुगर केन का प्रोडक्शन जो है वो यूपी ही करता है, और जो महाराष्ट्र है वो दूसरे नंबर पर। ये जो दो स्टेट हैं ये टोटल इंडिया में सुगर प्रोडक्शन का 66% ऑक्यूपाई करते हैं। दैट मींस जितना भी सुगर का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है उसका 66% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इन दो स्टेट्स का है, किसका, यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक ना बेटा। सुगर के बारे में समझिए, सुगर केन के बारे में समझिए। जो सुगर केन है वो एक ऐसी फसल है कि अगर उसको उसकी कटाई करने के बाद अगर हम उसको कहीं रख देते हैं तो उसके अंदर से जो सुक्रोज होता है, यानी जिससे शुगर तैयार की जाती है, जो सुक्रोज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी जल्दी से जल्दी इनको खेतों से उठाकर हमको शुगर मिल्स में पहुंचाना होता है, ठीक ना, क्योंकि समय के साथ साथ इनके वेट में कमी आती चली जाती है। यानी कमी आने का मतलब है कि जो सुगर बनने की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है। तो कुछ फैक्ट्स को देखते हैं सुगर इंडस्ट्रीज के। तो देखो, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज द प्रोड्यूसर ऑफ सुगर। जो भारत है वो विश्व में सुगर के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान रखता है। सीधी सी बात है, पहला स्थान कौन रखता है, किसके पास फर्स्ट प्लेस है, तो आप जानते ही होंगे, दैट इज चाइना, ठीक है। लेकिन जो गुड़ जानते हैं ना आप लोग, गुड़ खाते हैं सब लोग, गुड़ के प्रोडक्शन में, गुड़ का मतलब है कि शुगर को जब तक आप एनिमल शुगर को जब तक आप एनिमल बोन से साफ नहीं करते हैं तब तक वो गुड़ होता है, ठीक ना। तो गुड़ के प्रोडक्शन में हमारा वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस है, ओके। अगली बात जो है वो है, देखिए शुगर इंडस्ट्रीज में एक टेंडेंसी पाई गई है, देयर इज अ टेंडेंसी इन सुगर मिल्स दैट दे आर शिफ्टिंग इन द वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र।
व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, ऐसा हो क्यों रहा है कि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं या शुगर मिल्स हैं वो महाराष्ट्र की तरफ जा रही हैं। तो इसके कुछ फैक्टर्स है, देखते हैं क्या है। द केन प्रोड्यूस आर हियर एज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, जो वेस्टर्न पार्ट में शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं यानी गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो सुक्रोज होता है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कम शुगर केन से ज्यादा शुगर तैयार की जाती है। बेटा जो शुगर का वेस्ट मटेरियल होता है ना, जब गन्ने की पेराई हो जाती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे एथेनॉल तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? एथेनॉल। एथेनॉल का इस्तेमाल हम लोग डीजल और पेट्रोल में करते हैं। आप लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते होंगे तो अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होता है 10% एथेनॉल मिक्स, 20% एथेनॉल मिक्स। एथेनॉल भी पेट्रोलियम की तरह ही हाईली फ्लेमेबल है, अगर इसको पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये अच्छी खासी फ्लेमेबल गैस बन जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस कर, सॉरी लिक्विड बन जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो पेट्रोल के मिक्सर में हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कंडीशन है? द कूलर क्लाइमेट आल्सो एंश्योर अ लार्जर अ लॉन्गर क्रॉसिंग क्रशिंग सीजन, फसल तैयार होने के बाद फसल को जो काटने का समय होता है वो ठंडी मौसमी दशाओं की वजह से लंबा चलता है। अब ठंडी मौसमी दशाएं हैं तो जो खेत में तैयार फसल है यानी शुगर केन है, जो क्रॉप है शुगर की, उसमें जो शुगर कंटेंट है उसका लॉस कम से कम होगा। गर्मी होगी तो ही शुगर कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक लंबा क्रशिंग सीजन मिल जाता है। इसका फायदा कैसे होता है? देखिए मैंने बताया आपको कि शुगर को खेत से निकालने के बाद तुरंत शुगर मिल में उसकी पिराई होना जरूरी है, नहीं तो उसमें वेट लॉस की समस्या आती है। वेट लॉस कमी, जो सुक्रोज होता है वो जितना दिन पुराना गन्ना रहेगा उतना ही कम होता चला जाएगा। तो अगर हम शुगर केन को खेत से काट दें, उसको क्रश कर दें और उसको कहीं रखे रहें तो उससे फायदा कम मिलेगा और लंबे समय तक ये फसलें खेतों में खड़ी रह सकती है क्योंकि क्लाइमेट ठंडा है वहां का। और क्लाइमेट ठंडा तो नहीं है, कह देंगे कि बहुत गर्म नहीं है। बहुत गर्म नहीं होने के कारण जो तैयार फसल है, जो तैयार शुगर केन है, उसमें जो शुगर कंटेंट है, जो सुक्रोज है, वो कम से कम लॉस हो पाता है। तो ये भी रीजन है कि जो शुगर मिल्स है वो पहले तो उन्हीं एरिया में हमको सेंट्रलाइज होती हुई दिख रही है जहां पर शुगर प्रोडक्शन का एरिया है, जहां शुगर केन की खेती की जा रही है। जो सबसे मेजर फैक्टर मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। देखिए बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, किसानों का समूह होता है जो सामूहिक खेती करते हैं और जो भी फायदा होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। ये अपने यूपी में है, अपने बिहार में, लगभग सभी स्टेट्स में है। लेकिन इन वेस्टर्न स्टेट्स में हम देखें तो ये कोऑपरेटिव ज्यादा मजबूत है, ठीक है ना। ये सामूहिक रूप से खेती करती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई गरीब किसान है तो वो मतलब जिसका खेती में जितना कंट्रीब्यूशन है उसी रेशियो में उसको प्रॉफिट भी मिल जाता है। अच्छा, शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में मैंने बताया यूपी फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकेंड एंड कर्नाटका थर्ड, ठीक है ना बेटा। शुगर के प्रोडक्शन में अब बात आती है शुगर केन। शुगर केन के प्रोडक्शन में भी यूपी फर्स्ट। कुछ समय पहले तक यानी 2040 तक महाराष्ट्र फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई करता था। कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र में आप चुकंदर जानते हैं ना, चुकंदर से भी वहां पर चीनी बनाई जाती थी। इस वजह से कुछ समय के लिए महाराष्ट्र भी फर्स्ट प्लेस पर आ गया था। लेकिन अभी भी कौन सा है? अभी उत्तर प्रदेश है। तो बेटा ये जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तरह से हमारी खत्म होती है। ये थ्री मेन सेक्टर्स थे जिसमें से हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखा, हम लोगों ने जूट इंडस्ट्रीज देखा, अब हम लोगों ने शुगर इंडस्ट्रीज देखा। अगले वीडियो में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। थैंक यू।